हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आई है महिंद्रा की पावर प्लस एसएलई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी क्रैंकिंग कर रही है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये ब्लोरो पावर प्लस है तो ये गाड़ी क्रैंकिंग कर रही है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस फॉल्ट को हम आज डायग्नोस करके आपको दिखाते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें रेल प्रेशर का कोड आ रहा है, रेल प्रेशर सेंसर का। हमने स्कैन किया और क्लियर करके भी देखते हैं क्या कोड क्लियर होता है या फिर नहीं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रेल प्रेशर का कोड क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम इसका रेल प्रेशर का जो सेंसर है, उस सेंसर को निकाल के देखते हैं, सेंसर की सर्किट को, कि कहीं से हमारा वायरिंग डैमेज हो गया है, इस वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी रेल प्रेशर वाली जो वायरिंग है, जो कोड आ रहा है, इसका एक वायर कट गया है वाइब्रेशन की वजह से। ये गाड़ी का अक्सर यही फॉल्ट आता है ब्लोरो पावर प्लस में, तीन सिलेंडर वाली गाड़ी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेल प्रेशर का सेंसर की सर्किट है और इसका एक वायर कट गया था। तो उसे हमने उस वायर को जोड़ लिया हूँ। उसके बाद दोबारा से हम गाड़ी को स्कैन करके और देखते हैं क्या हमारा कोड अभी जो रेल प्रेशर वाला बन रहा था वो चला गया या फिर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंजन सिस्टम रीड फॉल्ट कोड करेंगे हम पहले, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कोड है या फिर चला गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इसमें कोड बना हुआ है तो हम इसे क्लियर करेंगे पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो कोड है बिल्कुल डिलीट हो गया है, नोटेबल कोड। तो हम सेल्फ मारे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं गाड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका रेल प्रेशर का सेंसर है जो कि ये वायर हमने लगाया है, ये वायर जो टूटा है। तो ये वायर अभी टेम्परेरी लगा के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसे सोल्डिंग करके बनाना पड़ेगा। तो हम अब सेल्फ मार के आपको दिखाते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी हमारी क्रैंकिंग करके स्टार्ट हो गई, प्रॉपर गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल ही ओके हो गई है। अक्सर यही फॉल्ट आता है, इसका रेल प्रेशर का सेंसर वाली वायरिंग टूट जाती है। तो आप इस फॉल्ट को इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं।